नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम स्वच्छ सर्वेक्षण। गाजियाबाद के कंट्री एंड होटल में चल रहा स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 6 मंडल आगरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के प्रतिनिधियों ने लिया कार्यशाला में हिस्सा। कार्यक्रम में गाजियाबाद सांसद वीके सिंह, एसएसपी सुधीर सिंह, आशा शर्मा, महापौर नगर निगम गाजियाबाद के अलावा तमाम नगर पालिका नगर निगम के अधिकारी मौजूद। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गाजियाबाद नगर निगम द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभिन्न मंडलों के नगर निकायों के अधिकारियों द्वारा लिया गया प्रतिभाग। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर चल रही है कार्यशाला। देखिए, आज गाजियाबाद में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का की गोष्ठी जो हो रही है, इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लोग भाग आए हुए हैं, अधिकारी हैं, मेयर हैं। और जैसा कि मैंने पिछली बार देखा था, इसका सिर्फ एक मकसद, एक लक्ष्य है कि सब लोग आपस में मिलकर बात करें और जो अच्छी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में आदान प्रदान करें कि उनको कैसे हर जगह पर लागू किया जा सकता है। हमारे शहर सुंदर होंगे, स्वच्छ होंगे, अच्छे होंगे तो उसमें रहने में सबको सहूलियत होगी। और अगर गाज़ियाबाद 390 से ज़्यादा नंबर पे था, अगर वो 13वें नंबर पर आ सकता है तो मुझे आशा है कि 2020 के अंदर वो और हो पाए। सर, अभी मंच से आपने एक उदाहरण दिया था, जो कबाड़ का काम करते हैं, वो जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, एक उनका नाम है पटेल और उन्होंने ये कार्य शुरू किया 8 गाड़ियों से एक शहर के अंदर। आज वो 4 शहरों के अंदर गाड़ियाँ चलाते हैं, 180 गाड़ियाँ उनके पास, वेस्ट टू एनर्जी भी बनती है। और हर घर से जो कूड़ा कलेक्ट करते हैं, तो जैसे आप रद्दी बेचते हो उसी प्रकार से वो पैसा देते हैं, ताकि सेग्रीगेट होके घर से कूड़ा, गीला कूड़ा, जो कूड़ा रिसाइकल हो सकता है वो अलग, और जो दूसरा तीसरा कूड़ा वो इकट्ठा अलग अलग तरीके से आए और जिसको फिर वो ले जाकर उसके ऊपर काम आए।